समर को क्या हो गया? खैर अनुपमा संभाल लेगी। कमाल है आप अंकल, सच में कमाल। क्या हुआ बेटा? हुआ तो बहुत कुछ है अंकल, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कल सुबह से मेरी मासी गायब है। कहाँ है वो? कैसी है वो? ठीक भी है या नहीं, किसी को कुछ पता है? कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया नहीं अंकल। अरे मुझे लगा प्यार नहीं है, कम से कम कंसर्न तो होगा। जितना परेशान आप अपनी वाइफ के जाने पे है, उससे कई ज्यादा परेशान तो लोग टीवी पे किसी के खो जाने की न्यूज को देखकर होते हैं। अंकल आपको देख के ऐसे लग रहा है जैसे आप तो बहुत खुश है मासी के जाने पे। नंदनी बेटा calm down please। No I won't, क्योंकि बात मेरे मासी की है। अगर मेरे मासी की बजाय बाघ गई होती, तोशु भाई किंजल गए होते, समर बाकी गए होते, तो आप ऐसे आराम से बैठ के हमें काम डाउन होने को कह रहे होते। नंदनी enough। Look uncle, I'm sorry। I know आपको मेरी बातें भी चुभ रही होंगी और मेरा टोन भी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप भी तो हमेशा कहते थे ना कि आपके लिए आपकी फैमिली सबसे पहले आती है, आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके फैमिली में आपकी वाइफ नहीं आती? जब तोशु भाई घर से चले गए थे, समर बिना बताए चला गया था, पाखी नाराज होकर गई थी, बापू जी घर से चले गए थे, तब आपने उन्हें ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया था, तो आप क्यों नहीं? अब क्या हो गया अंकल? अरे आपको आपकी एक्स वाइफ की फिक्र है, उनकी फ्रेंड की फिक्र है, फ्रेंड की सिस्टर की फिक्र है, पूरी दुनिया की फिक्र है, बस मेरी मासी की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने भी तुम्हारी मासी जितनी गलतियां नहीं की हैं, किसी ने भी इस घर को हत्याने की कोशिश नहीं की है। अगर किसी ने तुम्हारी मासी जितनी गलतियां की हो, किसी ने भी, तो बताओ मुझे, बताओ बताओ। एक नाम मेरे मन में आ रहा अंकल, आपका। प्लीज मेरे मासी जितनी गलतियां तो आपने की है, इसलिए दूसरे लोग उन्हें जज करें ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पास वो राइट नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ नंदनी, पर सच ये है कि काव्या घर छोड़ के इसलिए गई है क्योंकि ये उसकी एक चाल है, ताकि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और आपकी सेल्फिशनेस है नंदनी। नंदू बेटा शांत हो जा, तुझे पूरी बात का पता ही नहीं है। हाँ मुझे सब पता है, जो इस घर में अनु आंटी के साथ हुआ है ना, वो सेम टू सेम अब मेरी मासी के साथ हो रहा है, और आप लोग तब ना कुछ बोले और आज भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे पर मेरी बात सुन तो ले। क्या सुनूं मैं बा, आप भी तो सेम ही बोलेंगी ना जो कल समर ने कहा और आज अंकल कह रहे कि गलती मेरे मासी की ही है। नंदनी शांत हो जाओ, ये सारी बातें आराम से भी की जा सकती हैं, तुम आराम से बैठ के बात कर लो ना, ये ऐसे रिएक्ट करने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है भाई, यू करेक्ट, क्योंकि मैं कितना भी चीखूं कितना भी चिल्लाऊं आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग तो बस अंकल की ही साइड लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि सबको पता है तुम्हारी मासी कैसी है। पाखी तुम प्लीज बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? तुम मेरे पापा से बदतमीजी कर रही हो। पाखी शट अप, यू शट अप। और भूलो मत तुम मेरी भाभी बनी नहीं हो। मुझे बनना भी नहीं है और मुझे बनाना भी नहीं है। सुना तुमने? मुझे बनाना भी नहीं है। देखो नंदिनी, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। क्यों? बाद में कौन सा चमत्कार होने वाला है समर? बाद में भी तो सेम टू सेम ही रहेगा ना, तुम्हारे पापा बदलेंगे ना उनका एटीट्यूड बदलेगा। ये एटीट्यूड सुधारने का ज्ञान तुम अपने मासी को दोगी ना तो बेहतर होगा, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। समर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी मासी भी गलत है। समर प्लीज तुम अपने पापा की गलतियाँ इग्नोर करना बंद करो। वनराज अभी नहीं, बाद में बात करते। मैं इनकी गलतियां इग्नोर करूंगा? अरे मैं सबसे पहले इनकी गलतियों पे माइक्रोस्कोप लेकर बैठता हूँ।
बचपन से इनसे नाराज रहता था, मुझे लगता था कि ये दुनिया में सबसे गलत है। तुम ऐसा सोचते थे, अब क्यों नहीं सोचते? क्योंकि मैं तुम्हारी मासी से मिल चुका हूँ अब, और वो रोज गलत होने के नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती रहती है। समर, तुम्हें पता है तुम्हें इस बार अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार तुम्हारे मम्मी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। नंदिनी, मेरी मम्मी को बीच में लाना बंद करो। मां तक बात पहुंची तो चुप ही ना। तो आप लोग ये सब क्यों नहीं समझते कि मेरी मासी भी मेरे माँ जैसी है? मैं अपने मम्मी का साइड इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मम्मी है, मैं उनका साइड इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हमेशा सही होती है और मेरी मासी हमेशा गलत। ऑफ कोर्स। समर, तुमसे बात करना ही बेकार है नंदिनी। समर, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ, पूरी बात खत्म करके जाओ। मैं बात खत्म ही कर रहा हूं नंदिनी। ये रिंग बा ने संभाल रखी थी। हुई बात खत्म। समर, 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 ये तुमने क्या किया? वही जो तुमने उसे करने पे मजबूर किया नंदिनी। समर मुझसे चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन उसकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। काव्या से तुम कितनी भी अलग हो नंदिनी, लेकिन तुम दोनों की रग में एक ही खून बहता है, और आज उस खून ने अपना रंग दिखा दिया। समर की रगों में बहता हुआ वनराज, तुम्हारी रगों में बहती हुई काव्या टकरा गए। काव्या और वनराज पास आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं रह सकते। काव्या और वनराज प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसे निभा नहीं सकते। वनराज बेटा, तुम बच्चों की लड़ाई में तुम क्यों पड़ रहे हो? ये लड़ाई नहीं है बापूजी, ये समर का फैसला था। और मेरा फैसला तो हमेशा से यही था। मेरा और नंदिनी का रिश्ता पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काव्या की नीस है, डैमेज। पापा, ये दोनों एक दूसरे से नाराज है, कम से कम आप तो शांत रहिए। पापा, एटलीस्ट आप तो समझदारी से काम लीजिए। समझदारी से काम तो समर ने लिया है। क्या समझदारी है? ऐसे अंगूठी फेंकना, कांच को तोड़ना समझदारी है? समर ने कांच नहीं तोड़ा बा, समर ने रिश्ता तोड़ा है। और जो रिश्ता चल ही नहीं सकता, उसे बनने से पहले तोड़ देना ही समझदारी है। और मैं 100 बार गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर तुम गिनती करोगी तो तुम्हारी मासी 101 बार गलत निकलेगी। और तुम्हें मैं ही क्या, तुम्हें तो ये पूरी फैमिली गलत लगती है, पूरी फैमिली गलत लगती है। और ऐसी गलत फैमिली से तुम रिश्ता जोड़ी क्यों रही हो? जाओ, जाओ जाके अपनी मासी को ढूंढो, और जब वो मिल जाए तो उसके बाद यहां धरना डालो, मोर्चा निकालो, केस करो मुझ पर, जो मर्जी करना करो, जाओ। प्लीज पापा, प्लीज। जब तक ये झगड़ा दोनों के बीच है सुलझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। पापा, पापा, किंजल ठीक कह रही है, अगर नंदिनी यहां से चली गई तो क्या हो जाएगा? समर के लिए हम लोग कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। नंदिनी वैसे भी हमारे लिए समर की पसंद थी ही नहीं, ना बा के लिए और ना मेरे लिए। तुम्हें समर को छोड़ना है, छोड़ दो। वो अंग्रेजी में क्या कहावत है, गुड रिडेंस टू बैड रविश, यानी बुरी चीजों से पीछा छूटा। तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी नंदिनियां मिल जाएंगी समर को।
नंदिनी बेटा लीव। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।